फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पर मैं ये दाल पीस रही हूँ, उड़द का दाल है और ये सुबह का टाइम है, तो बस मैं अभी बड़े बनाऊँगी इसी के। तो उड़द के दाल को मैं मिक्सी में भी पीस सकती थी, लेकिन मिक्सी में पीसने से वो थोड़ा पतला हो जाता है और ठीक से नहीं पीसता, मुझसे तो नहीं होता वो, तो पानी डाल के पीसना पड़ता है मुझे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आज सिलबट्टे पे पीसते हैं, और इससे पीसने से वो चिकना भी पिसाएगा, इक्वल पिसाता है मतलब अच्छे से, और फिर टाइट भी रहता है इसका जो पेस्ट होता है वो। तो इसलिए मैं ऐसा पीस रही हूँ और अभी इसके हम बड़े बनाएंगे। तो काफ़ी दिनों बाद ये हम बना रहे हैं नाश्ते में, तो चलिए फिर इसे बनाते हैं। और ये बहुत सिंपल होता है बनाना, आप सब लोग भी बनाते होंगे। और राहुल यहाँ पर इस पेस्ट में ढेर सारा हल्दी पाउडर डाल दिए, जबकि मुझे हल्दी डालना ही नहीं था, लेकिन इन्होंने उसमें ऐड कर दिया। और जिसु अभी सो कर उठी है, तो देखिए वो कैसे मुझे देख के इसको हंसी भी आ गई थी। तो ये बाल सामने रखी है, आया है बाल तो उसको हटा भी नहीं रही है, तो अभी हटा रही है, सो के जस्ट उठ के आई है कि क्या कर रहे हैं मम्मी पापा ये देखने के लिए। तो इस पेस्ट में हमने डाला है हरी मिर्च कट करके, प्याज और फिर पत्ता वाला धनिया और नमक। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे डोनट की तरह बना रही हूँ बड़े को, तो इससे क्या है अच्छे से सिक जाता है, होल करने से बहुत अच्छे से सिकता है। और जब मिक्सी में अगर इसे पीसे तो इस तरह से नहीं बनता, फिर वो पकौड़े की तरह हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका शेप कितना अच्छा आया है, तो इसी तरह हम बना लेंगे अभी। चलो तो सिखाया नहीं, इतना ही मोटा बनाऊँ पतला बनाऊँ कि आपके लिए एकदम पतला पतला करो। क्यों सिखाया बताओ ये, क्योंकि वो रहता है ना आगे पीछे छेद रहता है ना, इसके लिए वो सिखा देता है। और हाँ गाइज, अब ये सोच रहे होंगे ना कि ये मैंने क्या पहन लिया है, प्रेस भी नहीं किया। तो हाँ, मैंने प्रेस नहीं किया है, बस ये सामने दिखा और ये मोड़ तोड़ के अंदर रखा हुआ था, तो मुझे दिखा तो मैं इसे पहन ली हूँ, और प्रेस तो मैं नहीं की इसे, तो बस अभी पहन ली इसे। मुझे नहीं लगा कि अभी प्रेस करना चाहिए और टाइम भी नहीं था, और तो बस पहन ली। और यहाँ पर अभी हमारा जो ये नाश्ता बन के रेडी हो गया है, बड़े बन गए हैं, अब हम नाश्ता करेंगे। तो इसे आप सॉस के साथ, चटनी के साथ भी खा सकते हैं, या कोई, मुझे तो बस ये ना चाय के साथ पसंद है, एक सिप चाय और एक बाइट ये, बस ऐसे ही खाना मुझे पसंद है। तो अभी हम उसी तरह से ले लेंगे चाय के साथ, क्योंकि सुबह एक बार चाय पी लो तो अच्छा लगता है। तो पहले मैं अभी चाय नहीं पी रही थी, लेकिन अभी अभी मेरी आदत हो गई, सुबह की चाय और शाम की चाय दो बार मैं चाय पीती हूँ, तो बस इसे हम चाय के साथ अभी ले लेंगे। और बच्चे देखते हैं कैसे खाएंगे इसे, वो उन पे डिपेंड करता है, उनकी चॉइस अलग होती है, तो वो लोग अपने हिसाब से इसे खाएंगे। तो बस यही। और यहाँ पर मैं इनको बोल रही हूँ कि आप इसे ही क्यों पहनते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इस तरह से पहनना। तो वो भी बोल रहे हैं कि ठीक है मुझे कैमरे में मत लो, अपना एंगल चेंज कर लो, और सबके सामने तुम ऐसे बोल रही हो, अब देखो मैं कैसे बोलता हूँ तुम्हारे बारे में। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे मुंह खोल के खा रही हूँ, तो अभी अभी मैंने ऐसे खाना सीखा है, पहले तो मैं मुंह बंद करके ही खाती थी। जिसके घर का जानवर रहते हैं उनको खिलाते, उसी जुगा खाते हैं, गाय के साथ खाते हैं, गाय के साथ बैठ के तो तीर बताई थी, गाय खिलाते उसे खाते भी है साथ में करके। कब बताई था? आज के दिन बनता था, गाय खाते उसी पर छूट जाते, उसको लुकाते हैं।
गाय भी खा सकती ना, तो खाते खाते छीनते भी उससे, चलते हैं मेरे विदेश तब खाते हैं इसको। और ये देखिए दिशु के बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसको अपने बाल कटवाने थे तो उसने कटवा ही लिया और बहुत लंबे लंबे हो गए थे और मुझे देख के बहुत खल रहा था। और दिशु ऐसा पाँच से छः बार कर चुकी है, कमर तक लंबे लंबे बाल उसके आते हैं, उसके बाद वो इसी तरह से बहुत छोटे छोटे करवा लेती है। हेलो फ्रेंड्स, सुबह के बाद मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि सुबह नाश्ता करने के बाद, फिर खाना वाना बनाने के बाद, फ्री होने के बाद लोग मिलने आ गए थे, एक दो लोग मिलने आ गए थे, तो बस उन्हीं उसी में बिज़ी थी मैं। और कल मैंने लक्ष्मी पूजा के समय ये ब्लाउज़ पहना था ना, तो फिर दो तीन घंटे ही मैं उस समय पहनी थी, तो मैं अभी और पहन ली हूँ, इसे अच्छा लग रहा था मुझे इसलिए, और इसके साथ ये जा भी रहा था, कॉम्बिनेशन सही लग रहा था, इसलिए मैं इसे अभी पहन ली हूँ। और अभी मौसम ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, ना ही ठंड है और ना ही गर्मी, तो बहुत ही बढ़िया सा मौसम बना हुआ है। और मैं अभी छत में हूँ, और छत में मैं जब सिंटेक्स हम साफ कर रहे थे ना, उस दिन के बाद मैं आ जाई हूँ, और इस वक्त छत में बहुत कम लोग होते हैं, तो मुझे लगा कि चलो मैं आप लोगों से बात करती हूँ। और घर में अभी बच्चे आराम कर रहे हैं, और राहुल अपने काम से गए हैं, और आज दीपावली का दूसरा दिन है, तो आज दूसरे दिन को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाते हैं, जैसे कि आप लोग सब लोग जानते होंगे, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में गोवर्धन पूजा को विशेष तौर पर मनाते हैं, क्योंकि और गांव में ज़्यादा इस त्यौहार को बढ़िया से मनाते हैं, क्योंकि गांव में ही किसान ज़्यादा होते हैं, और फिर गाय बैल होते हैं ना, तो आज गाय बैलों की पूजा होती है, उनके लिए अलग से खाना बनता है, और बहुत कुछ होता है आज के दिन। और बचपन की जो यादें होती हैं वो कभी नहीं जाती, चाहे हमारी एज कितनी भी ज़्यादा हो जाए, तो वो यादें बिल्कुल रहती ही हैं। और मैं भी गांव से ही हूँ, तो फिर मुझे वो सब याद आता ही है, और अच्छा लगता है जब हम बचपन में ये सब देखते थे, गौरी गौरा और ये सब, गोवर्धन पूजा, और ये सब गांव में ही देखने को मिलता है। यहाँ होता भी होगा तो हो सकता है कि आसपास के मोहल्ले में होता होगा, जो मुझे नहीं मालूम है। और मुझे किसी ने पूछा था कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं, तो वीडियो के नीचे में जो लाल कलर में लिखा होता है सब्सक्राइब, तो उसे ही टच करना होता है, जैसे ही टच करेंगे तो वो ग्रे हो जाएगा, उसी के साइड में एक घंटी का निशान बना होता है, तो उसको भी टच कर दीजिए, उसे ही टच करके आप ऑल में कर देंगे, तो जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो बस यही एक सिंपल प्रक्रिया है, और इसे एक ही बार करना होता है, और लाइक और शेयर आप हर वीडियो में कर सकते हैं। तो चलिए, मेरी वीडियो आज यहीं तक थी, और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूं, और बताइएगा मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलती हूं आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।